the Dawn Express, Aina Sashka. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान संपन्न हो गए और सभी चैनलों पे और अलग अलग एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल भी आ गए। सारे एग्जिट पोल लगभग एक मत से इस बात को ताकीद कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में वापस आ रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। आइए देखते हैं अलग अलग एजेंसियों ने क्या क्या डाटा दिया है। तो सबसे पहले नाम बात करते हैं टीवी 9 सीसरो का, जिसने आम आदमी पार्टी को 54 सीटें दी है और भारतीय जनता पार्टी को 15 तथा कांग्रेस को 1। फिर एबीपी न्यूज और सी वोटर की बात करें तो इसने एक लंबा रेंज दिया हुआ है 49 से 63 सीट, और बीजेपी के लिए 5 से 19 सीट और कांग्रेस के लिए 0 से 4। फिर टाइम्स नाउ इप्सो ने आम आदमी पार्टी को 44, बीजेपी को 26 और कांग्रेस को 0। फिर न्यूज एक्स नेता ने आम आदमी पार्टी के लिए 53 से 57, बीजेपी के लिए 11 से 17 और कांग्रेस के लिए 0 से 2 सीटें का अनुमान लगाया है। जबकि टीवी रिपब्लिक टीवी जन की बात ने आम आदमी पार्टी के लिए 48 से 61, बीजेपी के लिए 9 से 21 तथा कांग्रेस के लिए 0 से 1। न्यूज एक्स पोल स्टार आम आदमी पार्टी के लिए 50 से 56, बीजेपी को 10 से 14 तथा कांग्रेस को 0। इंडिया टीवी इप्सो ने आम आदमी पार्टी के लिए 44, बीजेपी के लिए 26 तथा INC के लिए 0। News 24 जन की बात आपके लिए 55 और बीजेपी के लिए 15 तथा एक इन सब से, इन सारे जो भी मैंने अभी बताया, इन सब में आम आदमी पार्टी को भारी जीत की अनुमान लगाया है। इसके अलावा 2 आउटलायर है, जो 2 पोलस्टर हैं, जो 2 सर्वे हैं, उनमें भारी अंतर है। पहला है एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे, आज तक और एक्सिस माई इंडिया का, इसने आम आदमी पार्टी को 68 सीटों तक का अनुमान लगाया है। यानी जो पिछली बार बीजेपी को, जो आम आदमी पार्टी को जो सीटें मिली थी उससे भी 1 सीट ज़्यादा, जबकि बीजेपी के लिए 2 से 5 सीटों का अनुमान लगाया है। इसके अलावा चिंतामणि 5 ने आम आदमी पार्टी के लिए 27 से 39 तथा बीजेपी के लिए 31 से 43 सीटों का अनुमान लगाया है। यानी इसके अनुसार बीजेपी भी सत्ता में आ सकती है, फाइट बहुत ज़बरदस्त है। 11 तारीख को, मंगलवार 11 फरवरी का इंतज़ार करना चाहिए। तब तक के लिए मनोरंजन के लिए आप एग्जिट पोल और उस पर तरह तरह की जो भी चर्चाएँ चल रही है उसको सुनते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।